रेडियो पाकिस्तान मारूफ मौसिकार निसार बस्मी की बरसी के मौके पर खुसूसी फीचर प्रोग्राम पेश किया जाता है। बज़्मे निसार, तहरीर अफजल आजिज, सदाकार आरिफ जेबाई और साइमा भट्टी, प्रोड्यूसर सरवत अली खान, पेशकश रेडियो पाकिस्तान लाहौर। हवाओं में तेरी सांसों की लहर है, फजाओं में तेरे जलवों की चमक है। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। आप दिल के अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो, आप दिल के अंजुमन। जिंदगी की राह टकरा गया कोई, तन तो फेवारूं मन तो फेवारूं, बिगड़ी बना दे तो है रो रो पुकारूं। हजरत इंसान की इब्तदाई जबान इशारों पर मुश्तमिल थी और इशारों के जरिए ही अपना मुद्दा बयान करता था। वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों के नाम भी रख लिए। इंसान चूँकि दीगर मखलूकात के मुकाबले में अफसल तरीन मखलूक है, सो दूसरी मखलूकात के मुकाबले में तरक्की भी खूब की। यही वजह है कि दीगर मखलूकात अभी तक वहीं खड़ी हैं जहां वो पहले दिन थीं। मगर हजरत इंसान न सिर्फ ये कि चाँद तक जा पहुँचा बल्कि वहाँ शहर बसाने का इरादा भी रखता है। इंसान के इब्तदाई कामों में सबसे बड़ा कारनामा जुबान का है, जिसके जरिए इंसान ने हर किस्म की तरक्की की। इंसान ने इब्तदा में चंद अल्फाज सीखे या बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए उन अल्फाज को इतनी तरक्की दी कि एक मुकम्मल जुबान बन गई। दुनिया में हर जगह मुख्तलिफ किस्म की जुबानें बोली और समझी जाने लगीं। इन जुबानों के जरिए एक दूसरे के साथ रबते बढ़े, एक दूसरे के साथ तआवुन बढ़ा। खुशी और गम के मौक़ों पर ज़बान और बयान के ज़रिए ही इजहार किया गया। ये दुरुस्त है कि महज इशारों के ज़रिए भी हाल दिल बयान किया जा सकता है, बल्कि अब भी किया जाता है। मगर अल्फाज के ज़रिए हाल दिल ज़ुबान पर लाया जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। यहाँ ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि ज़बान के साथ बयान की भी बहुत अहमियत है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई साहिब गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू का मज़मून बहुत आलिमाना और आपका पसंदीदा भी है, मगर साहिब गुफ्तगू का अंदाज़े गुफ्तगू अपने अंदर कोई कशिश नहीं रखता। कोशिश के बावजूद आप उसमें दिलचस्पी महसूस नहीं करते। यही वजह है कि बड़े बड़े आलिम व फाजिल लोग महज अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से वो पज़ीराई हासिल नहीं कर सकते जिसके वो हकदार होते हैं। मगर इनके मुकाबले में उनसे कम इल्म रखने वाले लोग महज अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं। मौसीकी भी बुनियादी तौर पर एक ज़ुबान ही है जिसके अपने हरूफ हैं, यानी सा रे गा मा पा धा नी। मौसीकी के ये सात हरूफ ही मुकम्मल हरूफ माने जाते हैं। यही वो सात हरूफ हैं जिनके ज़रिए मौसीकी के अजीम शान मीनार खड़े किए गए। इन अल्फाज के ज़रिए मौसीकी की ज़बान को तरक्की दी गई, मुख्तलिफ रंग और अंग बनाए गए। मौसीकी में ज़ुबान के साथ बयान का भी खुसूसी किरदार है, और जब मौसीकी की ज़बान और बयान का कोई आलिम किसी नए तजर्बे और रंग और अंग के साथ मैदान में उतरता है तो फिर उसके फ़न का जादू सर चढ़ के बोलता है। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस फ़न के बड़े बड़े जादूगर अपने फ़न के जादू से करोड़ों लोगों के दिलों को अपने म्यूज़िक के जादू से अपना असीर बना चुके हैं। मौसीकी के इन्हीं जादूगरों में से एक जादूगर का नाम निसार बस्मी है। निसार बस्मी साहब का घरेलू नाम सैयद निसार अहमद था, उनके वालिद का नाम कुदरत अली था। निसार बस्मी 1925 जिला खानदेश नज़ीराबाद बम्बई में पैदा हुए। आप चूँकि एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ मौसीकी को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, मगर कुदरती तौर पर आपको मौसीकी से बहुत लगाव था और जूँ जूँ आपकी उम्र बढ़ती गई म्यूज़िक के जुनून में इजाफा होता गया। निसार बज़्मी अपने इसी शौक़ जुनून में उस वक्त के एक बहुत बड़े गवैये खान साहब अमान अली खां के पास गए और उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली।
अमान अली खान ने जब देखा कि एक सैयद जादे में अच्छे शागिर्दों के तमाम तर औसाफ मौजूद हैं, तो उन्होंने भी निसार बज़्मी को पूरी तवज्जो के साथ सिखाया। निसार बज़्मी ने भी एक लायक और होनहार शागिर्द की तरह उस्ताद के मेयार पर पूरा उतरने की कोशिश की और मौसीकी के तमाम रंग और अंग अपने दिलो दिमाग के साथ उंगलियों में भी महफूज कर लिए। मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रातिया। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथिया, बड़ी मुश्किल से। बज़्मी ने मौसीकी की दुनिया में अमली तौर पर कदम रखते हुए कवाली को ही जरिया इजहार बनाया और उन्होंने इलाकाई सतह पर एक सुरीले कवाल के तौर पर बहुत नाम कमाया। उन्होंने कवाली को एक नए अंदाज के साथ पेश किया, जिसमें शायरी के साथ साथ अंदाज़े बयां को भी नया रंग दिया। कवाली के इस सफ़र के दौरान उन्होंने बहुत आगे जाना था, मगर कुदरत ने उनसे मौसीकी के मैदान में बहुत बड़ा काम लेना था। और फिर निसार बज़्मी साहब ने एक म्यूजिशियन के तौर पर तकसीम पाको हिंद से कबल फिल्म नगरी में कदम रखा। थोड़े ही अरसे में उन्होंने बतौर म्यूजिशियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। निसार बज़्मी मैंडोलिन बजाते थे और मैंडोलिन भी ऐसी बजाते थे कि वक्त के बड़े बड़े मौसीकार अपने गीतों में उनके मैंडोलिन की शमूलियत बहुत ज़रूरी समझते थे। निसार बज़्मी ने चूंकि अभी म्यूज़िक की दुनिया में बहुत तरक्की करनी थी, सो 1946 में उन्होंने बतौर मौसीकार फिल्म जमुना पार का म्यूज़िक दिया, यानी अब वो अपने हकीकी मैदान में उतर चुके थे। निसार बज़्मी के बारे में तासुरात देते हुए मशहूर मौसीकार वज़ीर अफ़ज़ल ने कहा, बज़्मी साहब जी एक ऐसे कंपोज़र थे कि हालांकि कोई भी कंपोज़र जब तक उसके पीछे कोई तकलीफें ना हो वो आर्टिस्ट बन सकते नहीं है। तो बज़्मी साहब पहले जब दिल्ली में थे ना, वहाँ ये कवाली भी करते हैं, मैंडोलिन भी बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, फिर बॉम्बे आके भी ये इन्होंने मैंडोलिन बजाया। फिर उस दौर में एक भगवान था एक्टर, बड़ी कॉमेडी फिल्में बनाया करता था, उसमें म्यूज़िक भी दिए उन्होंने। मगर उनका जो काम था ना असल, वो चमका है पाकिस्तान में आके। और बज़्मी साहब में जो क्वालिटी थी ना, वो जिस म्यूज़िक में होनी चाहिए वो सब थी। एक तो बड़ी बात है वो क्लासिकल के साथ इंग्लिश मौसीकी की नोटेशन भी जानते थे, वो राग को खूब समझते थे और उनके गाने में किसी राग का आप नाम ले सकते हैं बज़्मी साहब का। तो पहले पाकिस्तान में उस दौर में भी मैडलूम जाया करता था, मेरे दिल की ये तमन्ना थी कि बज़्मी साहब मुझे बुलाएं अपने किसी गाने में, मैं उनको मैडलूम बजा के सुनाऊँ। तो ये गाना आया लाखों में एक, बड़ी मुश्किल से होता है तेरा मेरा प्यार से, उन्होंने मुझे बुलाया। अब जब मैंने पीस शुरू किया, उनके पीस बजाए, खुद अपना कुछ बजाया, बहुत खुश हुए। वो कहते हैं यार कमाल है, मैंने कम ऐसा मेडल मैंने नहीं कभी सुना ऐसा। उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम भी आया कि बज़्मी साहब और मैं एक फ्लैट में, ऊपर मैं ऐसा नहीं थी बज़्मी साहब से एक साल रहते हैं, और एक दिन मुझे कहने लगे यार जो मेरे बेटे हैं इनको आप मैंडोलिन बताएं। मैंने कहा बज़्मी साहब आप खुद इतना बड़ा प्लेयर है मैंडोलिन प्लेयर, नहीं नहीं आप बताएं। मैंने कहा मुझे तो टाइम नहीं आपके सामने, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ। अब कुछ तो गाने उनके ऐसे हैं जो अमर हो गए हैं, मतलब रंजशी से ही क्या गाना मैंने जिससे था, क्या उन्होंने ईमन कोई पूरी शक्ल दिखाई है, काटे ना कटेरे, क्या क्या उनके गाने आपको बताऊँ
बहुत ही बड़े और नहायत कैरेक्टर के आदमी थे, बहुत नमाजी थे, बहुत परहेजगार थे, बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत कम बोलते थे। किसी ने कुछ कह भी दिए तो आप खामोश जाते थे। कभी मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, हब से प्यार से मोहब्बत से बातें करते थे और नमाज वो पांचों टाइम पढ़ते थे, रोजे वो रखते थे। उनके काम में बहुत बरकत थी बहुत, और जिन जिन से भी उन्होंने गवाया है ना, वो सब की सब सिंगरें हिट हुई हैं। अब मैं तो बदल साहब के मतलब ये कहता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। निसार बज़मी ने 24 के करीब इंडियन फिल्मों की मौसीकी दी, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए तरक्की का बायस बनी। और आज भी हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में निसार बज़मी के काम को बड़े मौसीकार के काम के तौर पर देखा जाता है। निसार बज़मी हिंदुस्तान में बहुत मसरूफ थे, वक्त के बड़े बड़े मौसीकारों के दरमियान काम करते हुए अपने जुदागाना अंदाज की वजह से वो अपनी मुनफरिद पहचान भी बना चुके थे। मगर उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया और 1962 में पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार निसार बज़मी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने भी सर आंखों पर बिठाया और फिर उन्होंने 1963 में फिल्म ऐसा भी होता है की मौसीकी दी। उनकी पहली फिल्म यही थी मगर रिलीज न हो सकी। उसके बाद उन्होंने 66 फिल्मों की मौसीकी दी जिसमें एक पश्तो फिल्म भी थी। उनकी मशहूर फिल्मों में लाखों में एक, आग, सायका, अनीला, शरारत, नागमुनी, तहजीब, उमराव जान अदा, मेरी जिंदगी है नगमा, हेड कांस्टेबल, जिंदगी कितनी हसीन है और दीगर फिल्में शामिल हैं। कभी तो पहले से मरासम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंग शीशे दे दुखाने के लिए। म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी साहब के काम को देखा जाए तो वो एक मुकम्मल म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर नुमाया नजर आते हैं।
उनके कंपोज किए गए गीतों में राग का खास ख्याल रखा जाता था और फिर वो करेक्टर के मुताबिक गीत कंपोज करते थे। जब हम उनका कंपोज किया गीत और उसकी सिचुएशन को देखते हैं तो फिर एहसास होता है कि वो गीत कंपोज करते वक्त छोटी से छोटी बातों का भी ख्याल रखते थे। आज भी उनके गीत अपनी मौसीकी के हवाले से मुनफरिद हैं। उन्होंने रिवायती मौसीकी के साथ साथ उसमें जिद्दत भी पैदा की और जिद्दत भी ऐसी कि जिससे मौसीकी का रिवायती हुस्न मजीद निखर कर सामने आया। ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान की फिल्मों में उन्होंने जिन फिल्मों का म्यूज़िक दिया वो नायाब तसव्वुर की जाती हैं। रंग बदलती रात बड़ी रंगीन है, हाय बड़ी संगीन है। निसार बज़मी ने जिस दौर में फिल्म नगरी में कदम रखा उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में मास्टर इनायत हुसैन, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, बख्शी वजीर, ए हमीद और नाशाद जैसे बड़े बड़े लोग मौजूद थे। मगर निसार बज़मी साहब ने इन बड़े बड़े फनकारों के दरमियान अपना अलहदा मकाम बनाया। उनके गीतों की मौसीकी का एक अपना रंग और अंग था और उन्होंने कोशिश की कि उनके कंपोज किए गए गीत और गजलें उनके नाम की पहचान बने और फिर ऐसा ही हुआ कि लोग उनके गीतों को सुनकर ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये निसार बज़मी का ही काम हो सकता है। निसार बज़मी के बारे में मशहूर फिल्मी शायर सईद गिलानी ने कहा, अगर आप जहाँ तक बज़मी साहब की ज़ात का ताल्लुक है उनसे मेरा रिश्ता यूँ भी उस्तवार हुआ कि वो बताते खुद बहुत अच्छे शायर थे, तो शायर होने के नाते उन्होंने जिन शायरों के साथ काम किया उनको बड़ी सपोर्ट मिली, इसलिए कि वो अस्थाई खुद भी घर लेते थे और अच्छी गढ़ते थे, यानी कि वो पायदार होती थी। बज़मी साहब से इत्तफाक में ज़िंदगी में एक गीत लिखने का इत्तफाक हुआ जिसके डायरेक्टर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर थे लाइक अख्तर साहब। तो ऐसा हुआ कि मैंने गीत तो लिखा लेकिन वो फिल्म उनकी नहीं बनी, बाकी उसका म्यूज़िक जो था वो मसरूर भाई ने गीत लिखे थे, वो एक गीत मेरे हिस्से में आया। फिर बाद में बज़मी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, उनके साथ बैठते थे। बज़मी साहब का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है मैं समझूँ कि हिंदुस्तान से आने के बाद, एक तो उन्होंने पाकिस्तान में आर्केस्ट्राइजेशन के बारे में बहुत से लोगों को आगाह किया कि आर्केस्ट्रा कैसे बनता है, कैसे तरतीब दिया जाता है, नोटेशन वो खुद जानते थे, नोटेशन कर लेते थे। और उसके अलावा चूँकि उनकी बैकग्राउंड में भी मौसीकी रची हुई थी, और शायद कुछ लोगों को ये बात नहीं लगे या उनकी मालूम में हो कि बेसिकली बज़मी साहब कव्वाल थे, और जो उन्होंने पुराने भगवान की फिल्मों में म्यूज़िक दिया था वो निसार के नाम से दिया हुआ, उनके जितने टाइटल हैं वो अगर आप देखेंगे तो उस पर निसार लिखा हुआ मिलेगा। और बज़मी साहब ने जो मैंने एक बात अंजुमन का म्यूज़िक देख लीजिए, तहजीब का म्यूज़िक देख लीजिए, और बहुत सारी फिल्म बेशुमार फिल्में हैं, कौन सी फिल्म का मैं जिक्र करूँ, लाखों में एक का म्यूज़िक इतना लाजवाल म्यूज़िक है जिसकी हद कोई नहीं है, जो सुन सुन के आदमी का जी नहीं भरता। फिर और असम तारिक साहब की फिल्मों का म्यूज़िक जिसमें अंजुमन का मैंने जिक्र खसूसी तौर पर किया, तो बज़मी साहब ने एक जहद दी, एक कोशिश की और एक तरकीब दी हमारे मौसीकारों को भी, अगर ऐसा भी काम हो सकता है, और उस पर कुछ लोगों ने चलने की कोशिश भी की, लेकिन मुसीबत ये थी कि उनको शायद वो प्रोड्यूसर मुयसर नहीं आ सके, वो डायरेक्टर नहीं मिले जो उनकी बात सुनते और मानते।
निसार बज़मी साहब का एक मुनफरिद एजाज़ ये भी है कि उन्होंने आज़ादाना तौर पर काम किया। वो किसी मखसूस आवाज़ के मोहताज नहीं थे। उन्होंने नई और कम सुनाई देने वाली आवाज़ों को भी इस्तेमाल किया। मारूफ़ गुलुकार आलमगीर को उन्होंने मुतारिफ़ करवाया। गुलुकारा रूना लैला के फ़न को आगे बढ़ाने के लिए भी निसार बज़मी साहब के म्यूज़िक का बहुत हाथ था। मेहदी हसन और मैडम नूरजहाँ के लिए उन्होंने लाजवाल गीत कंपोज़ किए। अहमद रुश्दी को भी उन्होंने मुनफरिद अंदाज में पेश किया। बिलाशुबा निसार बज़मी बहुत बड़े मौसीकार थे। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह, फिल्म इंडस्ट्री में उनके अंदाज का कोई दूसरा नाम नहीं है। उन्होंने बहुत कम फिल्मों में म्यूजिक दिया, मगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए तरक्की की बुनियाद रखी। उन्हें एक मुनफरिद एजाज़ ये भी हासिल है कि पाकिस्तान के कौमी तराने को उन्होंने री रिकॉर्ड किया, जो कि बड़े एजाज की बात है। निसार बज़मी साहब बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। वो इंतहाई मुहज्जब और मोहब्बत से भरे हुए आदमी थे। फिल्म इंडस्ट्री और बाहर के लोगों के साथ भी बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। चूंकि एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे, इसलिए नमाज रोजे के इंतहाई पाबंद थे। हमेशा बावजू रहते अल्लाह की ज़ात पर ईमान और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह अकीदत रखते थे। काम के दौरान और फारिग वक्त में भी जिक्र व अस्कार में मसरूफ रहते। जिंदगी के आखिरी अय्याम में उनका ज्यादातर वक्त इबादत और रियाजत में गुजरता। निसार बज़मी साहब अपनी जात में एक मुकम्मल आदमी थे। इस नूर की है ताबीर के अब इस्लाम चमकने वाला है। पढ़ कलमा ला ईमान, खुदा का नाम चमकने वाला है। राही भटकने वाले ये लाइला के उजाले, दिल का दिया जला ले, दिल का दिया जला ले। राहे भटकने वाले से निकल देख गाफिल,
नूर इस्लाम होता है नाज़िल, है इसी नूर का नाम आदिल, अदल की शम्मा दिल में जला ले, राही भटकने वाले। खाने पीने का भी खास ख्याल रखते थे, बहुत कम खाना खाते थे, मगर दाल गोश्त और बिरयानी बहुत पसंद थी। लिबास के मामले में भी बहुत उम्दा ज़ौक रखते थे, अच्छा और नफीस कपड़ा पसंद करते थे मगर सादा। खुदा उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने म्यूज़िक के हवाले से पाकिस्तान की बहुत खिदमत की। 1925 में पैदा होने वाला ये गोहरे नायाब 2007 में हमसे जुदा हो गया, मगर उनका फ़न अब भी हमारे दिलों और समातों में मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। आप मारूफ मौसीकार निसार बज़्मी की बरसी के मौके पर खुसूसी फीचर प्रोग्राम सुन रहे थे। बज़्म निसार, तहरीर अफजल आजीज, आवाजें आरिफ जेबाई और साइमा भट्टी, प्रोड्यूसर सरवत अली खान, पेशकश रेडियो पाकिस्तान लाहौर।